नमस्कार, आप देख रहे हैं namofomedia.com। झांसी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा भी परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के मानसिक दबाव को कम करने के लिए गुलाब के फूल व मार्क्स देकर उनके उत्साह का वर्धन किया गया और साथ ही उनसे अपील की गई कि वे बिना दबाव के परीक्षा दें। कॉलेज प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि लगभग 2 साल से COVID-19 की वजह से छात्रों की पढ़ाई में काफी असर देखने को मिला है, जिस कारण वे काफी दबाव झेल रहे हैं, जिसको कम करने के लिए आज हमने सभी छात्र छात्राओं को गुलाब का फूल देकर उनका हौसला अफजाई की। झांसी जिले में 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर प्रत्येक कक्ष में 24 घंटे CCTV के माध्यम से परीक्षाएं की जाएंगी। वर्ष 2020 के बाद 2 वर्ष बाद बोर्ड परीक्षा होने जा रही है और कोविड के कारण विद्यालय कभी खुले कभी बंद रहे, छात्रों के ऊपर इसका बड़ा ही मानसिक दबाव रहा। जुलाई में भी विद्यालय बंद रहे, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, तो छात्राओं को कोर्स का सिलेबस का पूर्णतः उन्हें ज्ञान नहीं रहा और उसके बाद विद्यालय खुले, चुनाव आ गया, चुनाव के कारण भी अवकाश रहे और एकदम बोर्ड परीक्षा आ गई, तो छात्रों को बड़ा ही अपने ऊपर मानसिक दबाव सा महसूस हो रहा था। तो आज पुष्प बांटकर हम लोगों ने छात्रों को यह संदेश दिया है कि आप लोगों परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार से दबाव लेने की जरूरत नहीं है, परीक्षा केंद्र में आपका पूर्ण सहयोग करेगा, बशर्ते आप लोग कोई नकल के साधनों का प्रयोग ना करें और आपको परीक्षा में कहीं कोई दबाव लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग उनका पूर्ण सहयोग हर प्रकार से करेंगे ताकि वो अच्छी तरह नकलविहीन परीक्षा संपन्न हो सके और छात्र परीक्षार्थी अच्छी तरह परीक्षा दे सकें।